मैं क्लियर कर दूं, मैं एक अजीब सा नशा था उसकी झूठी बातों में। वक्त गुजरता गया और हम आधे होते गए। तो इस हफ्ते की वीकेंड खास स्टोरी यश खाए में हम लेकर आए हैं आपके लिए हर्षद चोपड़ा के इश्क के फसाने। हर्षद ने अपने करियर की शुरुआत में काफी नाम और शोहरत कमाई, लड़कियों में भी उनकी लंबी फैन फॉलोइंग रही। लेफ्ट राइट लेफ्ट और किस देश में है मेरा दिल जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा बने हर्षद को फैंस का बेशुमार प्यार भी मिला। फिर हर्षद नजर आए सीरियल दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में, जहां उनकी मुलाकात हुई श्रुति झा से। दोनों ही एक जैसे शांत स्वभाव के, दोनों में काफी गहरा बॉन्ड बनने लगा। शोज में जैसे जैसे दोनों करीब आ रहे थे, इनके लिंकअप की खबरें उतनी तेजी से आने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफ कैमरा भी दोनों काफी वक्त साथ बिताने लगे। धीरे धीरे इनमें नजदीकियां बढ़ने लगी, पर पब्लिकली श्रुति या हर्षद किसी ने भी कभी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। सब ठीक ही चल रहा था कि ऐसी खबर आने लगी कि श्रुति हर्षद के दोस्त और उनके लेफ्ट राइट लेफ्ट के को स्टार कुणाल करण कपूर से क्लोज होने लगी थी, और शायद यही वजह रही हर्षद और श्रुति के ब्रेकअप की। दोनों के बीच क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जैसे इनका रिलेशनशिप सीक्रेट था, वैसे ही इनका ब्रेकअप भी सीक्रेट रहा। वहीं फिर हर्षद की जिंदगी में आई जेनिफर विंगेट। सीरियल बेपनाह में आदित्य और जोयाबन दोनों के बीच केमिस्ट्री लाजवाब रही। अपने अपने किरदार में इतना इन्वॉल्व की फैंस को लगने लगा हर्षद और जेनिफर रिलेशनशिप में हैं। कई अवार्ड फंक्शंस और इवेंट्स पर साथ नजर आए। जेनिफर के घर क्रिसमस पार्टी में भी हर्षद नजर आए थे। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जेनिफर और हर्षद के क्यूट मोमेंट्स काफी वायरल हुए थे। बेस्ट एक्टर है क्या? मैं भी हूँ। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट बॉडी। ये पता था। बेस्ट बॉडी नहीं, फिट एक्टर। बेस्ट बॉडी क्या होता है? वही जो मतलब है, फिट एक्टर क्या होता है? जिसके बाद फैंस को लगने लगा कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। शो खत्म होते ही इनका बॉन्ड भी खत्म हो गया, और फैंस के साथ सभी को रियलाइज हुआ कि दोनों अच्छे एक्टर्स हैं। अब हर्षद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे हैं, और उनके ऑपोजिट हैं प्रणाली राठौड़, जिनके साथ एक बार फिर उनके लिंकअप की खबरें आने लगी हैं। शो में दोनों पति पत्नी के किरदार में कई बार रोमांटिक सीन करते नजर आए, और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर फैंस को लगता कि इनके बीच इश्क वाला खुमार है। लाइव सेशन के दौरान कई फैंस ने इनसे पूछा कि क्या दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जवाब में उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। बेस्ट कपल ऑन स्क्रीन प्लीज, थैंक्स। हां, दीज आर द क्वेश्चंस, सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस सो दैट। हां, तुम अपना बोलते रहो तब तक आई विल यू गिव योर एक्सप्लेनेशन। हां, आई विल गिव माय। तो हां हां मत करो, हां सब देंगे। मैं क्लियर कर दूं, मैं और हर्षद डेट नहीं कर रहे। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स जैसे दोस्त हैं, पर अगर आप ऐसे खबरें छपाएंगे या आप ऐसे खबरों को वायरल करेंगे, अरे जी, इट्स अ गुड थिंग ना। आई नो, बट हमारी दोस्ती को ऐसे अलग नाम ना दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर फैंस इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि सच में उनके बीच कुछ तो चल रहा है। इतने सारे लिंक के बाद भी हर्षद ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर नहीं कहा। कैसे लगे आपको हर्षद के इश्क के फसाने, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।